दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताबों की सीरीज में एक नई किताब आपके बीच हाजिर है जिसका नाम है बिहार तथ्यसार। बिहार राज्य से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम बिहार टीचिंग का एग्जाम हो, बिहार टीचिंग में किसी भी स्तर का एग्जाम हो, या फिर एग्जाम बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, या बिहार से संबंधित बीएसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट, सुदृढ़ और साइंटिफिक तरीके से प्रोवाइड करेगी। अब इस किताब में क्या क्या खासियत है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। इस किताब में सबसे पहले जो दिया गया है, पहले तो बिहार का परिचय दिया गया है। अब बिहार के परिचय में जो बिहार राज्य से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं वो सब कुछ समाहित है। अब बिहार राज्य से संबंधित जानकारियों में जैसे गवर्नर कौन है, क्षेत्रफल क्या है, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार की जनसंख्या क्या है, ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर इसके बाद दिया गया है कि बिहार का इतिहास दिया गया है। अब बिहार के इतिहास में खासकर बिहार को ही केंद्रित किया गया है और बिहार के इतिहास को पूरा पाषाण काल से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास से कनेक्ट किया गया है। इसके बाद बिहार का भूगोल दिया गया है। बिहार के भूगोल में बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार की मिट्टी कैसी है, बिहार में कैसे कौन से समूह पाए जाते हैं और अन्य चीजें जो ज्योग्राफी में आती हैं वो सारी चीजें कवर की गई हैं। इसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार का बजट, इस साल का बजट 2024-25, ये बिहार के बजट की बात कर रहा हूं, और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इससे संबंधित सारी चीजें दी गई हैं। और सब कुछ, जितने भी डेटा इस किताब में मिलेंगे सब कुछ अपडेटेड है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, यानी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि बिहार में गेहूं का उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में हुआ, बिहार की कृषि सघनता या सस्य सघनता कितनी है, बिहार का जनघनत्व कितना है, ये सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बाद देखिए बजट 2024-25 और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बिहार में एनर्जी का सेक्टर क्या है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति क्या है, सब कुछ अपडेटेड अद्यतन आंकड़ों से युक्त आपको इसमें मिलेगा। इसके अतिरिक्त टूरिज्म यानी पर्यटन, बिहार में पर्यटन की स्थिति क्या है, यह भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार में मानव संसाधन की स्थिति क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की स्थिति क्या है, इसको भी पूरी तरह से अद्यतन आंकड़ों से समाहित किया गया है। इसके अलावा बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना, अधोसंरचना का मतलब है कि पुल निर्माण, सड़क निर्माण, ये सारी चीजें, ये सब कुछ भी दिया गया है। बिहार का कल्चर और आर्ट, आर्ट और कल्चर बिहार राज्य से संबंधित, इन सब सारी चीजों को दिया गया है। बिहार राज्य से जितनी भी स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो दी गई हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात, इन सारी स्कीम्स को बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों से युक्त किया गया है जिससे कोई भी लेटेस्ट आंकड़ा आपसे बचा न रह जाए, ये सारी चीजें दी गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण कंटेंट, बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स को भी इसमें दिया गया है। बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स को दिया गया है। कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, अगर बिहार से संबंधित है तो दिस सेक्शन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस सेक्शन को हमने बहुत साइंटिफिकली एक साल तक पूरा कवर किया है, 2023 लगभग जून से लेकर फरवरी लास्ट तक के कंटेंट को
या मार्च चल रहा है, जब तक किताब गई है 2 दिन पहले तक का कंटेंट आपको इसमें करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। और लास्ट सेक्शन में क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स, यानी इसमें बिहार के जितने भी 38 जिले हैं उन सभी 38 जिलों के बारे में, उनकी खासियतें, उनसे बनने वाले प्रश्न, उन जिलों का उत्पादन या किसी अन्य चीज में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान क्या है, उनकी अद्वितीयता क्या है, उसमें और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इन सब सारी चीजों को कवर किया गया है। ये किताब आपको 168 पेज की किताब है, ये 168 पेजेस, इसका मूल्य है 140 रुपया। ये इस किताब की डिटेलिंग है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तो कवर पेज पे हमने उनको खास स्थान देते हुए कर्पूरी ठाकुर की पिक लगाई है उनके सम्मान में। तो इस तरह से पूरा अगर हम विश्लेषण करें, कंक्लूड करें अपनी चीजों को, तो ये कहा जा सकता है कि बिहार तथ्यसार नाम की जो किताब है, बिहार तथ्यसार घटना चक्र पब्लिकेशन की विश्वसनीयता को ध्यान देते हुए हमने आंकड़ों को वरीयता देते हुए उसको क्रॉस चेक किया है, भारत सरकार के आंकड़ों से, बिहार सरकार के आंकड़ों से सब कुछ साइंटिफिकली चेक करने की कोशिश की है। 99% से ज़्यादा शुद्धता आपको इस पुस्तक में मिलेगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस किताब को एक बार अवश्य पढ़ें। विदा लेता हूँ, नमस्कार।